हेल्थ से जुड़ी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हर प्रकार की दवाइयां में सेहत से जुड़ी जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस से जुड़े यूट्यूब के नव हेल्थ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉरेक्स डीएक्स सिरप को लेकर, जो कि ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, कोल्ड सोर थ्रोट मतलब गले में खराश या गला खराब होना आदि के इलाज की बहुत ही बेस्ट कफ सिरप है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मार्केट्स में उतारने का काम करती है फाइजर लिमिटेड कंपनी। और यह इंडिया का मोस्ट पॉपुलर और काफ़ी पुराना ब्रांड है और जिसके तकरीबन सभी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। उनमें से कॉरेक्स डीएक्स सिरप भी उन सभी फेमसेबल प्रोडक्टों में से एक बेहतरीन कफ सिरप है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉरेक्स डीएक्स सिरप का फुली रिव्यू करेंगे, जैसे कि इसका यूजेज यानी कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इससे होने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं, इसमें मौजूदा कंटेंट, इसके मार्केटेड प्राइसेस और साथ इसके यूजिंग से होने वाले साइड इफेक्टों के बारे में भी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कॉरेक्स डीएक्स सिरप दो तरह के मेडिसिन के कॉम्बिनेशन साल्टों से मिलकर बनी ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में खांसी से जुड़े सभी तरह के इलाजों की एक बेहतरीन दवा है। इसमें जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम और क्लोरफेनामिन मेलिएट 4 मिलीग्राम इस सिरप के ईच 5 ml कंटेंट यानी कि एक चम्मच में आपको मिलता है। दोस्तों, इस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 100% है, जो हमारे ब्रेन में कफ की एक्टिविटी को रिड्यूस कर कफ में राहत देता है। और साथ में इसमें क्लोरफेनामिन मेलिएट एक एंटी एलर्जिक है, जो कि एलर्जी के लक्षणों जैसे कि वॉटरी आइस यानी कि आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, रनिंग नोज आदि सिम्टम्स में राहत देता है। कॉरेक्स डीएक्स सिरप का यूजिंग ड्राई कफ के साथ साथ इसका मोस्टली यूजिंग जैसे कि सामान्य सर्दी खांसी में, जुकाम में, किसी विशेष पदार्थ एलर्जी से होने वाली खांसी में, गले में खराश व खुजली होने पर, सूखी खांसी में, पित्ती में, स्किन एलर्जी व इसके बावजूद नाक बंद होना आदि कंडीशंस में आप यह सिरप यूज में ले सकते हो। और दोस्तों, इस सिरप की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिरप पूरी तरह से अल्कोहल फ्री व कोडीन फ्री है, यानी इस सिरप में किसी भी तरह के नशे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्राइसेस की, तो कॉरेक्स डीएक्स सिरप आपको मार्केट्स में दो वेरिएंट में देखने को मिलती है, 50 ml और 100 ml। 50 ml के सिरप की कीमत होती है 51.44 रुपीज़ यानी कि 51.44 रुपये, और 100 ml के सिरप की कीमत है 99.50 रुपीज़ यानी कि 99.50 रुपये, जो कि सिरप के गुणों को देखते हुए काफ़ी इनएक्सपेंसिव है और जिसे आप अपने पास के नज़दीकी केमिस्ट शॉप से बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बड़ी आसानी से खरीद भी सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कॉरेक्स डीएक्स सिरप का उपयोग कैसे हो, कितनी मात्रा में किया जाए, यानी कि इसकी डोजेस के बारे में। तो दोस्तों, फॉर एडल्ट यानी कि जो बड़े हैं, 5 ml की डोजेस दिन में 3 से 4 बार तक, और बच्चों में जिनकी एज 6 से 12 साल है, तो ऐसे बच्चों में इस सिरप के 2.5 ml यानी कि आधा चम्मच की डोजेस दिन में 3 से 4 बार तक। और इसके बावजूद जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं जैसे कि 2 साल से लेकर 6 साल के बीच, तो उनमें इस सिरप की 1/4 teaspoon यानी कि 1/4 चम्मच का उपयोग दिन में 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आप जब भी यह सिरप यूज में लेते हो तो कम से कम सिरप की डोजेज में 6 से 7 घंटे के बीच का समय का अंतराल जोर रखें। दोस्तों, यह सिरप पूरी तरह से शेड्यूल्ड ड्रग है, इसलिए आप जब भी इस सिरप का उपयोग अपने बच्चों में करते हो तो अपने बच्चों के फिजिकल कंडीशंस की पूरी जानकारी अपने पर्सनल डॉक्टर को अवश्य दें, उसके बाद यह सिरप यूज करें ताकि आप सिरप के यूजिंग से होने वाले साइड इफेक्टों से बच रहें। और अगर हम इस सिरप के कभी कभी अकस्मात यानी कि अचानक से होने वाले साइड इफेक्टों पर नज़र डालें, तो उन साइड इफेक्टों में आपको जैसे कि स्किन रेडनेस, ड्राई माउथ, इनडाइजेशन, डायरिया, नोजिया और वोमिटिंग जैसे कॉमनली साइड इफेक्ट है जो कि देखने को मिलते हैं। और इसके बावजूद दोस्तों, अगर आप सिरप में मौजूदा कंटेंट से एलर्जिक हो, या फिर आपको ऑलरेडी पहले से ही इनडाइजेशन यानी कि पेट खराब होना, या फिर लूज मोशन जैसी कंडीशंस पहले से ही बनी हुई है, तो आप भूलकर भी इस सिरप का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ जो महिला प्रेग्नेंट हैं, या फिर छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं, या फिर जिन लोगों को लीवर से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी है, तो ऐसे लोग सिरप यूजिंग में सावधानी जरूर बरतें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट जानकारी भरी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।